हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ विकी कौशल संग शादी करने के बाद एक बार फिर से काम पर लौटने को तैयार है। कहा जा रहा था कैटरीना शादी के बाद सीधा सलमान खान के साथ फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा। कैटरीना की शादी के बाद पहली फिल्म मैरी क्रिसमस होगी। इस फिल्म को श्रीराम राघवन डायरेक्ट करेंगे। एक लीडिंग वेबसाइट की रिपोर्ट की माने तो कैटरीना इस फिल्म की शूटिंग इसी हफ्ते शुरू कर सकती हैं। ये शूटिंग मुंबई के एक स्टूडियो में होगी। इसी बीच कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कैटरीना ने शादी करते ही सलमान खान के साथ धोखा कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो दरअसल खबरें कुछ ऐसी हैं कि कैटरीना शादी से पहले टाइगर 3 की ही शूटिंग कर रही थी। कैटरीना ने नवंबर के आखिर में ही शूटिंग से ब्रेक लिया था। इसके बाद वो अपनी शादी की तैयारियों में लग गई। खबरें हैं कि शादी के बाद टाइगर 3 की शूटिंग शुरू करने वाली थी वो, जिसके लिए सलमान और कैट को इंडिया से बाहर जाना था। लेकिन अब कैटरीना सलमान के साथ टाइगर 3 की शूटिंग छोड़ मैरी क्रिसमस की शूटिंग शुरू करने जा रही हैं, जिसमें उनके साथ साउथ के सुपरस्टार विजय सेतुपति नजर आएंगे। यही वजह है कि अब लोग कह रहे हैं कि कैटरीना ने सलमान के साथ धोखा किया है। बता दें, कैटरीना ने विकी कौशल संग 9 दिसंबर को राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित सिक्स सेंस फोर्ट में शादी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि दोनों हनीमून के लिए मालदीव्स गए थे, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं हो पाई। जब दोनों वापस आए, कैटरीना कैफ सूट पहने इंडियन लिबास में थी। उनके हाथों में चूड़ा और माथे पर सिंदूर साफ दिख रहा था। उनका ये लुक सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। वहीं विकी ने पहले ही काम शुरू कर दिया है। खबरों की माने तो वो मेघना गुलजार की फिल्म सैम बहादुर शूट कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा दिखाई देंगी। कैटरीना की आने वाली फिल्मों की बात करें तो वो टाइगर 3 और मैरी क्रिसमस के अलावा फोन बूथ और एक सुपर वुमेन फिल्म में नजर आएंगी, जिसे अली अब्बास जफर डायरेक्ट करेंगे। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।